चैनल माई नेम इज नविका एंड माई नेम इज शिवांश एंड आज तो आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि हम मेरा रूम टूर कर रहे हैं। मैं ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बट बहुत नर्वस भी हूँ। बट आप लोगों ने इतने रिक्वेस्ट किए थे एंड आपको हमारा हाउस टूर भी देखना था, बट आई थॉट कि पहले मैं सिर्फ अपना रूम दिखाऊंगी, मेरा पूरा क्लोजेट दिखाऊंगी और माई क्लोथ्स, माई शूज, माई बैग्स, एवरीथिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हम डेफिनेटली बहुत जल्द पूरा हाउस टूर भी करेंगे। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक इट देन गिव इट अ बिग थम्स अप, क्योंकि जितने लाइक्स आएंगे उतने हाउस टूर करने के चांसेस ज्यादा होंगे। सेम आंसर, नो डिफरेंस। सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। आओ आओ। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ ये वीडियो में, इसका रूम टूर है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सो वेलकम टू माय रूम गाइस। मेरा पूरा रूम व्हाइट और ग्रे है एंड अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगी, आई मीन जितना हो सके उतना दिखाऊंगी। बट या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरा वार्डरोब है, स्लाइडिंग वार्डरोब है, इसके दो साइड्स है। तो पहले मैं आपको ये वाला साइड दिखाऊंगी। क्या कर रहा है शिव, क्या कर रहा हूं? ठीक है, अरे भाई मेरा फोन गिर गया। तो चलो शुरू करते हैं। मैं तो पागल हूं। एंड दिस इज माय वार्डरोब फर्स्ट पार्ट। तो ये सारे मेरे ऑब्वियसली बाहर जाने वाले कपड़े हैं, बट हाँ ये सारी मेरी नई ड्रेसेस हैं, टी शर्ट्स हैं, तो ये सारी मेरी जैकेट्स हैं, ये सब मेरे कुछ क्रॉप टॉप्स वगैरह हैं, ये सब मेरे नॉर्मल टॉप्स वगैरह है, कुछ पार्टी के लिए टॉप्स है, ये सब मेरी ड्रेसेस हैं, ये सब मेरे थोड़े बहुत जंप सूट्स हैं और भी ड्रेसेस वगैरह है। यहाँ से सब मेरे जंप सूट्स हैं और कुछ बहुत लॉन्ग ड्रेसेस हैं, गाउन्स वगैरह हैं। एंड या सो दीज आर माय आउटफिट एंड दिस इज माय यूजलेस ब्रदर, जिसने कहा था मेरे साथ वीडियो बनाएगा बट पता नहीं क्या ही कर रहा है। हाँ तो ये देखो, ये है इसके इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी रोज रोती रहेगी मम्मी मैं क्या पहनूं, फिर से देखती रहेगी अक्षय कुमार की तरह। अच्छा तो ये वहीं बैठा हुआ था। अच्छा बैठ बैठ बैठ, आप बोलना पाता है, देखो यूजलेस भाई ये वो। सो यहाँ पे ये मैंने इस सेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ मैंने अपने बेल्ट लटका रखे हैं, यहाँ पे दो हुक्स हैं एंड ये मेरा बैग है जो मैं यूजुअली क्लासेस वगैरह लेके जाती हूँ, तो इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है, सारी बुक्स आ जाती है। so, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। यहाँ मैं अपने शॉर्ट्स, स्कर्ट्स और ये सब रखती हूँ और नीचे मेरा हेलमेट, योगा मैट और सब सामान रखा हुआ है। सो गाइस ये नीचे का हो गया, ऊपर का दिखा रहे हैं, चढ़ना पड़ेगा। सो हाँ तो ये मेरा जिम का बैग है जो अभी मैं जिम का बैग है जब फोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि कभी यूज़ नहीं करती। चुप रहे, ठीक है, मैं लॉकडाउन के बाद से नहीं गई हूँ। और ये मेरे सारे हुडीज और स्वेटर्स और जैकेट्स वगैरह है, ज्यादा नहीं है क्योंकि मुंबई में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट या। एंड ये सारे मेरे इंडियन क्लोथ्स है, बहुत ही कैजुअल जो डेली की कुर्तीज और कुछ प्लाजोज वगैरह है। जो मेरे हैवी इंडियंस हैं जैसे लहंगा साड़ीज ये सब मैंने ऊपर रखे हैं बिकॉज वो रोज काम नहीं आते। और ये मेरे सूटकेसेस हैं, ये मेरे टॉयज हैं, कुछ जो प्रमोशन का सामान आता है वो है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह है एंड हाँ टॉयज है, मैं टॉयज खेलती हूँ अभी भी। बट या सो दिस इज फॉर दिस साइड एंड अब हम वो साइड चलते हैं। ये है मेरी इस साइड की वार्डरोब। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर मेरे सारे बैग्स रखे हुए हैं, तो मैं आपको कुछ कुछ दिखा देती हूँ, मेरे कुछ फेवरेट्स दिखाती हूँ। जैसे ये वाला है, ये मैं एलन सॉली से लाई थी, इसमें बड़ा स्लिंग भी है बट मेरे को कभी कभी इसको ऐसे ले जाना पसंद है। देन दिस वन इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट सिंपली बिकॉज इट्स पिंक। दिस इज अ स्मॉल बैकपैक दैट आई हैव, दिस इज सम स्लिंग बैग्स दैट आई हैव, ये वाला। एंड देन दिस वन इज अ न्यू बैग दैट आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम एलो, मैंने टैग भी नहीं निकाला है अभी तक, बट या इट्स वेरी वेरी क्यूट। ये मेरे थोड़े स्लिंग बैग्स हैं जो मैं पार्टीज वगैरह पे ले जाती हूँ। ये एक्चुअली मेरा पहला बैग था, आई गेस मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, 12-13 साल की तभी लेके जाती थी हर जगह। यहाँ पे इस साइड मेरे थोड़े लैपटॉप बैग्स हैं, थोड़े जूट बैग्स वगैरह रखे हैं एंड पीछे मैं DSLR रखती हूँ
एंड उसके भी पीछे वहां पे मैंने अपना ट्राइपॉड रख रखा है. एंड ये वाले तो सारे मेरे ट्रैवलिंग के बैग्स हैं जिसमें मेरा सारा एथनिक वेयर और ये सब रखा हुआ है. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई वार्ड्रोब ये मेरे सारे टॉप्स हैं, टी शर्ट्स हैं जो मैं कैजुअली पहनती हूँ नीचे घर पे सोते वक्त क्लासेस में. एंड ये सारी मेरी जीन्स हैं, कुछ वाइट वाली है, कुछ रिप जीन्स हैं, कुछ केपरीज वगैरह हैं, कुछ जेगिंग्स हैं. एंड ये सारे मेरे नाइट वेयर या कैजुअल पजामेज हैं. मुझे क्यूट प्रिंटेड पजामेज बहुत पसंद है. ये जो है ये मेरा पूरा जिम सेक्शन है, तो यहाँ पे मेरे सॉक्स वगैरह हैं, मेरे ट्रैक पैंट्स हैं और लेगिंग्स हैं. ये सब मेरी प्लेन टी शर्ट्स हैं जो एकदम सॉलिड प्लेन टी शर्ट्स हैं जिम वेयर के लिए. एंड या सो ये सब मेरे क्लोथ्स थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई एसेसरीज एंड माई कॉस्मेटिक्स. तो ये वाले शेल्फ में मेरे सारे फेस वॉशेस, क्रीम्स और स्प्रेज वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं जो मैं डेली यूज करती हूँ, जो नहीं भी करती हूँ. जैसे ये आप देख सकते हो मैं पूरी बॉटल खाली करती है. ये मेरा फेवरेट लोशन है, मैं रोज ये लगाती हूँ. एंड इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ऑलरेडी अपने स्किन केयर वीडियो में बता चुकी हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. एंड या सो दीज आर माय कॉस्मेटिक्स. ये सारे मेरे परफ्यूम्स हैं. ये वाला मेरा फेवरेट है, ये नाइकी का परफ्यूम है, इसका नाम आई थिंक ट्रेंडी है. एंड इसके मेरे पास दो बॉटल्स है, मैं पूरा खत्म कर चुकी हूँ. ये वाला जारा का परफ्यूम है, आई थिंक इसका नाम ऑरेंज ब्लॉसम एंड सैंडलवुड बॉडी मिस्ट है. फिर ये तो भाई मैंने इतना यूज किया है, इसकी हालत देख लो. ये मिनीसो से लाई थी मैं एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. नाउ फॉर दिस ड्रॉअर, यहाँ पे मैंने अपने सारे टॉवल्स वगैरह, वहां पे मेरी स्लिप्स और स्पेगेटीज है, ये मेरे नैपकिन्स हैं, ये मेरा पूरा स्विमिंग का सेक्शन है, या मेरी स्विमिंग की कैप्स, कॉस्ट्यूम, बाथिंग गाउन वगैरह सब रखा हुआ है. एंड इन दिस ड्रॉअर मेरे यहाँ पे सारे एसेसरीज, टूल्स, पाउचेस वगैरह रखे हैं. सो ये वाले ड्रॉअर में यहाँ पे मैंने अपना ब्लो ड्रायर रखा है, ये मेरा स्ट्रेटनर है, ये सब मेरे कर्लर्स वगैरह हैं. ये वाले बॉक्सेस में मैंने अपनी सारी वॉचेस रखी है. बाकी ये पूरे पाउच में मैंने अपनी और पुरानी वगैरह सारी वॉचेस रखी है. एक टाइम था जब मुझे ये ऐसी मेटल वाली वॉचेस बहुत पसंद थी जब मैं स्कूल में थी, तो मेरी सारी मोस्टली ये मेंस वाली वॉचेस है, इतनी बड़ी बड़ी पता नहीं, हालांकि फेस था मेरा, बट फिर मेरे पास ये सी छोटू छोटू क्यूट सी भी है और ये एक रिंग है वॉच वाली, पता नहीं बहुत अजीब अजीब चीज है. बट या वेट टिश्यूज हैं. ये वाले पाउच में मैंने अपने सारे कलरफुल रबर बैंड्स रखे हुए हैं, तो जैसे अगर मुझे कभी अपने भरतनाट्यम डांस परफॉर्मेंसेस के लिए जूड़ा वगैरह बनाना होता है तो ये उसका सारा सामान है. ये एक मेरा एक्स्ट्रा पाउचेस हैं, ये एक्चुअली मेरे ट्रैवल पाउचेस हैं, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ कभी शूट पे या ट्रैवल कर रही होती हूँ तो इस पर मैं अपना मेकअप वगैरह डाल के जाती हूँ. ये वाला तो मुझे बैक टॉक से मिला था एंड इसमें मैं अपना सनग्लासेस रखती हूँ. ये मेरा सनग्लास है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एंड्रो, बहुत पसंद है. मेरा एक मैकवी का सनग्लास है एंड बाकी के मेरे सारे सनग्लासेस मोस्टली मेरी कार में रखे हैं, कुछ ड्राइव करते वक्त धूप लगती है तो मैंने गाड़ी में रख रखे हैं. ये एक बॉक्स है, मैंने सारी हैट्स और कैप्स वगैरह रखी हुई है. तो अब मैं आपको मेरे शूज दिखाऊंगी सारे. ये मेरे शूज हैं, ये वाली ऑब्वियसली मेरी फेवरेट हील है बिकॉज इट्स वेरी बिग, मेरे को बड़ी हील बहुत पसंद है. ये एक रेड हील है मेरे पास, ये एक हील है जो मुझे अभी प्रमोशंस के लिए मिली थी. एंड आई हैव दीज बूट्स एज वेल एंड आई हैव दोज बूट्स एज वेल. एंड ये गाइस बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज ये मेरी पहली हील थी लाइफ की. आई नो फॉर द फर्स्ट हील इट्स वेरी बिग, बट मुझे बहुत 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 पसंद है ये हील. अब ये एक और ड्रॉअर है जिसमें मेरे और शूज वगैरह रखे हैं. सो ये सब एक्चुअली मेरे कैजुअल डे टू डे वेयर वाली स्लिपर्स और शूज हैं. तो ये वाले मेरे एडिडास के शूज हैं जो मैं हर जगह पहनती हूँ, जिम चाहे साइकिलिंग जाऊँ चाहे वॉक पे जाऊँ कहीं पे भी. सो या एंड देन आई बॉट दीज शूज क्योंकि मुझे प्लेन शूज चाहिए थे फॉर डेली वेयर, तो ये स्केचर्स के शूज लिए मैंने नए. ये मेरी स्लिपर्स है, ये तो मेरी एकदम कैजुअल घर की स्लिपर्स है हवानियंस की. एंड ये थोड़े और स्लिपर्स, थोड़ी हील्स, शूज वगैरह हैं.
नाउ कमिंग बैक टू माई वॉर्डरोब एंड इट्स लास्ट सेक्शन. तो ये वाला सेक्शन मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली जो ये ट्रे है, ये मेरी डंपिंग ट्रे है. मतलब मेरे हाथ में कुछ भी अगर कैश वगैरह है या कुछ रबर बैंड वगैरह है वो मैं यहीं पे इसमें आके रख देती हूँ. एंड बाकी ये सब यहाँ पे मेरे बॉक्स हैं, इसमें मेरे थोड़े और रबर बैंड्स क्लिप्स वगैरह रखे हुए हैं. ये यहाँ पे मेरी पिंस हैं, हेयर पिंस है इस बॉक्स में. इस बॉक्स में थोड़ा और कार्ड्स कैश वगैरह ये सब रखा हुआ है. ये वाले बॉक्स में मैंने टिश्यूज वगैरह रखे हैं, कॉटन रखा है, यूजुअली मेकअप निकालने के लिए यूज होता है मुझे. ये थोड़े और प्रोडक्ट्स हैं, मेरा सनस्क्रीन है, मेरा हेयर ऑयल है. एंड गाइस यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पे मैं अपना और थोड़ा बहुत सामान रख देती हूँ. दिस बिग बॉक्स, ये काफी बड़ा है. ये दिखाने से पहले मैं आपको ये ट्रे दिखा देती हूँ. ये ट्रे मैं रेडी होते वक्त यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा. तो यहीं पे मेरा प्लग पॉइंट है, तो मैं यहीं पे अपना स्ट्रेटनर वगैरह रख देती हूँ एंड ऑल माय मेकअप का स्टाफ. एंड यहाँ पे मैंने अपने आई शैडो पैलेट्स वगैरह रखे हुए हैं. आई एम गोना शो यू दिस वन. ये मतलब दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, दिस इज़ फैशन आर्टिस्ट. आई लव दिस पैलेट सो मच. मैंने इसे इतना यूज़ किया है, मैं तोड़ भी चुकी हूँ, बट इसकी हालत देख सकते हो आप. आई हैव दिस अनदर पैलेट फ्रॉम मिस क्लेयर. फिर यहाँ पे थोड़ी और आई शैडो पैलेट्स, थोड़े और ब्लश पैलेट्स वगैरह रखे हैं मैंने. फिर ये है, एंड भले ये लिप्स की शेप में है बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस पर लिपस्टिक्स रखे हैं, क्योंकि इसमें सारी लिपस्टिक्स आती नहीं है. बट मैंने आई लाइनर, काजल, पेंसिल वगैरह रखे. एंड बाकी ये सब मेरे कोम्स वगैरह हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ. थोड़े ब्लैक हेड स्ट्रिप्स वगैरह रखे हैं मैंने, सीजर्स हैं, एवरीथिंग. एंड नाउ आई एम गोना शो यू दिस बिग बॉक्स. तो ये वाले बॉक्स में मैं अपनी सारी इयर रिंग्स रखती हूँ. एंड मैं अपने हर पैर को ऐसे प्लास्टिक के बैग में डाल के रख देती हूँ, वरना ये बहुत मैसी हो जाता है और मुझे हैंड मूवमेंट पे कुछ नहीं मिल पाता. एंड गाइस ये बहुत सारे हैं, ये मैं आपको लेजिट मेरे फेवरेट्स नहीं दिखा सकती हूँ इसमें से. द थिंग इज कि मुझे हर ड्रेस के हिसाब से एक मैचिंग इयर रिंग चाहिए. एंड मेरे डैड एक ज्वेलर है, तो मेरे पास गोल्डन इयर रिंग्स भी बहुत है. यहाँ पे मैंने छोटे से रखे हैं, ये मैंने अभी निकाल रखे हैं, कल मैंने दूसरे इयर रिंग्स पहने थे. ये वाली इयर रिंग जो है ये रियल डायमंड एंड गोल्ड है, मेरे डैड लाए मेरे लिए. एंड मुझे एसेसरीज का बहुत शौक है. ये वाली इयर रिंग्स मैं पूरे टाइम पहन के रखती हूँ. ये पियर्सिंग तो पूरे टाइम रहती है मेरे कानों में, और ये वाली भी पहनती हूँ मैं. एंड उसके अलावा आई हैव दिस चेन जो मैं पूरे टाइम रहती है मेरे वो फोटोज़ वगैरह में भी है हर जगह. एंड ये दो रिंग्स हैं, ये भी डायमंड है. एंड मैं चेंज करती रहती हूँ, बट मुझे काफ़ी पसंद है रिंग्स और ज्वेलरीज, और इन सब का मुझे बहुत शौक है. सो एज यू कैन सी, एंड नाउ मूविंग ऑन टू माई फेवरेट पार्ट ऑब्वियसली, एंड दैट इज माई मेकअप. दिस इज माई ब्रश होल्डर ऑब्वियसली, एंड आई एम करंटली यूजिंग दिस एंटायर सेट फ्रॉम मिनीसो. ऑब्वियसली इसका हेयर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बट ये एक पूरा सेट है एंड इट्स जस्ट सो क्यूट एंड रोज गोल्ड एंड पिंक विद डायमंड्स एंड एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मिनीसो. एंड फिर इसके अलावा द काजल्स दैट आई यूज द मोस्ट इज दिस वन फ्रॉम मेबेलिन, एंड ऑब्वियसली लैक्मेज आइकॉनिक काजल. ये तो मतलब मेरे पास इसे 10-15 पड़े होंगे, और मॉम भी यही काजल यूज करती है, तो कभी कभार मैं मॉम के भी डाल लेती हूँ, वो मिक्स हो जाते हैं. एंड या सो यही सब है, आई लाइनर है. करंटली आई एम यूजिंग दिस कलर बार आई लाइनर एंड आई लव इट. नाउ फॉर द अदर प्रोडक्ट्स, दिस इज माई एंटायर ड्रॉअर. तो यहाँ पे एज यू कैन सी आई हैव केप्ट ऑल ऑफ माय लिपस्टिक्स. सो आई एम गोना शो यू माय फेवरेट वन व्हिच इज दिस वन राइट नाउ. दिस इज फ्रॉम नायका, एंड दिस इज द ओसो क्रेम नायका लिपस्टिक इन द शेड वेकअप मेकअप, एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. सो दिस वन लिपस्टिक फ्रॉम रेवलॉन, ये भी मैंने मम्मी की चुराई ये वाली वाली. एंड फ्रॉम दिस साइड आई हैव माई फाउंडेशन एंड माई ऑब्सेस्ड विद दिस बीबी क्रीम. And these are my beauty blenders, this is my eyelash curler, and this is my favorite blush from L'Oreal Paris again. Over here we have my nail polishes, so I have this golden one, this is also from Nykaa, and I have this transparent one from VOV, and yeah, this one is again from Revlon, and a few more. नया थोड़ा बहुत और सामान है, क्रीम्स वगैरह है. ये बेसिकली मेरा ड्रेसिंग एरिया है, तो मैं यहाँ पे अपना सामान सारा सामान रख के, और ये मेरा मिरर है, यहाँ पे मैं रेडी होती हूँ. एंड ये यहाँ पे मैंने इसलिए लाइट लगा रखी है, तो मैं खड़े खड़े रेडी होती हूँ मोस्टली. मैं कभी कभी चेयर ले लेती हूँ, बट यूजुअली मुझे खड़े रह के रेडी होना पसंद है. गाइस ये मेरा पूरा वार्डरोब और ड्रेसिंग वाला सेक्शन था, एंड नाउ आई एम गोना टेक यू अहेड इन माय वॉशरूम. हाँ
सुबह वॉशरूम एक मिरर के पीछे है. दिस इज माय मेन मिरर एंड दिस इज अनदर मिरर दैट आई हैव ऑन द साइड एंड दिस इज माय स्पीकर बिकॉज मुझे बिना म्यूजिक के शावर करना बिल्कुल नहीं पसंद है तो मैंने वहां स्पीकर लगा रखा है बिकॉज आई डांस. एंड हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉटेड प्लांट रखा हुआ है. यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स है, कभी कभी जलाती हुई है बट हाँ. सो दिस इज द टॉयलेट. यहाँ पे इस ड्रॉअर में अगर मैंने अपने बाकी के सब शैम्पूज वगैरह रखे हुए हैं. ऑन द इनसाइड दिस इज द डोर एंड ये एक पेंटिंग है जो मैंने बचपन में बनाई थी. आई नीड टू मेक अ न्यू वन गाइज. अब हम अपना मूड थोड़ा स्विच करते हैं टू डिम. टडा, दिस इज हाउ आई लाइक टू शावर. तो ये हमारा स्लाइडिंग डोर है एंड ये अंदर के वॉशरूम में मैंने बहुत ही सॉफ्ट डिम लाइट्स लगाई है बिकॉज मुझे ऐसे ही एकदम हल्की सी लाइट में म्यूजिक के साथ नहाना बहुत पसंद है. ये जो है ये मेरा सारे स्कूल के अवार्ड्स है. मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स वगैरह में भी दिखाया था ये. एंड वो जो ऊपर है ये मेरे मास्टर्स ऑफ भरतनाट्यम की डिग्री का सर्टिफिकेट है जो मेरे आलंगेतरम के दिन मुझे मिला था. ये मेरा टीवी है एंड ये मेरा सब ड्रॉर्स और सेक्शंस हैं वगैरह. यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइंग फाइल्स रखी हुई है और मेरे पुराने बैग्स वगैरह हैं. तो हाँ, ये मेरे कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं. मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट बना के रखा है स्टोरी का. ड्रॉअर है, इसमें मैंने अपने पेंटिंग का सब सामान रखा हुआ है. ये मेरे पैलेट्स हैं, ये इस पाउच में मेरे सारे ब्रशेस हैं, इसमें मेरे स्केच पेन्स वगैरह है. मैंने अपने पेंट्स और ब्रशेस रख रखे हैं. ये मेरी कुछ पुरानी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, कुछ मोटिवेशनल बुक्स हैं. दिस इज माई स्टडी सेक्शन जहाँ मैं पूरे टाइम बैठी रहती हूँ. दिस इज माई लैपटॉप. ये एक सॉफ्ट बोर्ड है. ये बहुत ही प्यारा कोट है जो मॉम ने मेरे लिए यहाँ पे लगाया है. ये मेरे मेडल्स वगैरह हैं, ये भी हम पुराने ब्लॉग्स में दिखा चुके हैं. एंड ये मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी फोटो है एंड सब मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं. ये सब थोड़ा डेकोरेटिव सामान है. ये मेरा वाइट बोर्ड है एंड इस पर मैं अपने नोट्स वगैरह लिख देती हूँ. मैंने अपना होमवर्क लिख रखा है सब फ्रेंच में. एंड ये मेरा टू डू लिस्ट है, मेरे को कुछ कुछ काम करना है. एंड यहाँ अंदर मैंने अपनी बुक्स रख रखी है सारी. सो ये सारी मेरी सेकेंड ईयर की बुक्स है फिलहाल, इकोनॉमिक्स की, साइकोलॉजी की. ये मेरी फ्रेंच की बुक्स है. ये ऊपर यहाँ पे मैंने अपनी सारी डॉक्टर्स की फाइल्स और ये सब रखे हुए हैं. और ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं अब तक के. हाँ, ऊपर में मैंने थोड़ा एक पॉट, ये फेक प्लांट रखा हुआ है. ये एक ग्लोब है ऐसे और से, इसमें भी मैंने ऐसे कुछ फाइल्स हैं, स्टेशनरी है, पेन्स शार्पनर्स है पुराने. एंड ये जो है ये हमारा होम थिएटर है. तो सारे स्पीकर्स हैं ये. तो दिस इज माई विंडो एंड दिखाऊंगी कि बिना लाइट के दिन में मेरा रूम कैसा लगता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्टन्स आई एब्सोल्युटली लव देम. एंड दूसरे कर्टन्स जो है मेरे ये ग्रे हैं ऑब्वियसली बिकॉज माई एंटायर रूम इज लाइट इन ग्रे. एंड ये मेरा विंडो से व्यू है. सो ये पूरा नेशनल पार्क का व्यू है. इतनी बार मैं बस यहीं बैठी रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ. आई लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. अब यहाँ पे ये सारे मेरे सॉफ्ट टॉयज हैं एंड एज यू कैन सी मुझे सॉफ्ट टॉयज काफी पसंद है. मुझे बहुत क्यूट लगता है ये. मेरे थोड़े जेलेटिन पेपर्स और रैपिंग पेपर्स वगैरह रखे हुए हैं. फेवरेट बार्बी डॉल थी तो मैंने अभी तक रखी है. ओरिगामी का हम मैंने बनाए हुए थे. फिर यहाँ पे भी हमारा और सामान है. ये वाला ड्रॉअर मेमोरी वाला ड्रॉअर है. यहाँ पे मैंने जितने भी मुझे कार्ड्स मिले हैं आज तक या जो मैंने फोटोज खिंचवा के प्रिंट आउट करवाई अपने दोस्तों के साथ कभी तो ये बिफोर मुंडन आफ्टर मुंडन फोटो है मेरी. मैं 4 साल की थी इस फोटो में. सो आप लोगों ने पूरा रूम तो देख लिया बट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द बेस्ट प्लेस ऑफ माय रूम. एंड गाइस आई एम सीरियस अबाउट दिस. मेरे को अपनी पूरी जिंदगी बस यही गुजारनी है. इससे अच्छा और इससे सच्चा प्यार आपको कहीं नहीं मिलेगा. एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज माय यस. मेरे बेड में मेमोरी फोम है. मेरे को सॉफ्ट बिस्तर बहुत पसंद है. अगर बिस्तर टाइट है तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी. मेरा पिलो भी एकदम सॉफ्ट है. ये दो पिलो है जो मैं ऐसे साइड में रखती हूँ और ऐसे साइड में रखती हूँ. ये चादर, मेरी चादर भी बहुत सॉफ्ट है और ऐसे करके मस्त सो जाती हूँ. ये मेरा पिलो है, ये एकदम सॉफ्ट है और ये खुल जाता है अपने आप.
ये मेरा साइड टेबल है, ये मेरी वाटर बॉटल है जो मैं पता नहीं कितने सालों से यूज कर रही हूँ, बट ये हमेशा एक बॉटल मेरे लिए भर के मेरे रूम में रहती है। ये इसी का रिमोट है और एयरपॉड्स है, चार्जर है मेरा, एंड इस ड्रॉर में यहाँ पे मेरी दवाइयाँ रखी हुई है, मेरे पुराने एयरपॉड्स रखे हैं, इस ड्रॉर में मेरे दवाई के प्रिस्क्रिप्शन रखे हैं, ये मेरा वॉलेट है, एंड सो दैट इज इट। एंड ये मेरी फोटो है, बिना पूछे मम्मी पापा ने ये एनलार्ज करके मुझे लास्ट वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट किया था, एंड उन्होंने बस ये बोला था दैट यू नीड टू लव योरसेल्फ एंड बस खुद से प्यार करना सिखा रहे थे। सो दिस इज माय रूम गाइस। आप तो हमारा रूम पहली बार तो हर व्लॉग में हर वीडियो में देखते ही थे, क्योंकि हमने लॉकडाउन में ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था एंड हमने सारे वीडियोस अपने घर में ही शूट किए, तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रूम टूर थोड़ा अजीब लग रहा था, बट आप लोगों को पूरा देखना था कि व्हाट्स इनसाइड, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लुक दे दिया है मैंने मेरे पूरे रूम का, और कुछ बचा ही नहीं है, कुछ प्राइवेट नहीं बचा है अब तो मेरे रूम में, बट आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। एंड मैं अपना रूम हमेशा ऐसे ही साफ रखती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ बाहर रखी हुई अच्छी नहीं लगती है, मुझे अपना बिस्तर में कभी ऐसे नहीं रखती हूँ, तो अभी थोड़ी मस्ती कर ली मैंने, मेरी मॉम को बहुत बुरा वाला ओसीडी है एंड उनकी वजह से हमें भी अब सफाई रखने की आदत है, तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो दिखाने के लिए मैंने अपना रूम ऐसे साफ किया है, एंड मुझे इतनी लाइट्स भी नहीं पसंद है, सो फॉर द लास्ट बिट आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स and show you my room the way I look at it most of the time. So this is it. I hope camera में भी वो वैसे ही mood को capture कर रहा होगा जैसे मुझे दिख रहा है, but मुझे मेरा room ऐसे बहुत अच्छा लगता है and I am just very 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 much in love with my room and I hope आपको भी अच्छा लगा हो. So thank you so much for watching. Okay, good night.